लेट्स स्टार्ट विद सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। लास्ट में हम मोल पे सिंपल क्वेश्चंस कर पाए थे, बट अब अगर हमें डिटेल में जाना है तो डेफिनेटली कुछ डेफिनेशन का पता होना चाहिए। एक्चुअली कन्फ्यूज़न ही लाइफ में डेफिनेशन की वजह से, और केमिस्ट्री में आपको जब जब कन्फ्यूज़न है इसका मतलब आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं है। तो आपको सजेस्ट करूँगा एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम एटॉमिक मास दोनों की डेफिनेशन पढ़िए, वीडियो पॉज करके दोनों में डिफरेंस एनालाइज करिए। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो एटॉमिक मास यूनिट इज़ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ग्राम एटॉमिक मास इज़ मास ऑफ 1/12 ऑफ 1 mole ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मींस बेसिक डिफरेंस AMU और ग्राम एटॉमिक मास में 1 mole का है। और जब ये 1 mole टर्म बहुत कॉमन में आ गया तो ग्राम एटॉमिक मास को आजकल हम रिप्लेस कर दे रहे हैं मोलर मास से। तो मोलर मास इज़ मास ऑफ 1 mole ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, जनरली हम इतना कह देते हैं। अब इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट इज़ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एंड आई सजेस्ट यू, इवन इंसिस्ट यू टू लर्न दिस वैल्यू ऑफ 1 AMU। 1 AMU इज़ 1.66056 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये एकदम रट लो आप कि 1 AMU इसके इक्वल होता है। और ग्राम एटॉमिक मास क्या है, 1 mole ऑफ कार्बन 12। तो यू कैन से कि 1 mole इज़ नथिंग बट 6.022 × 10⁻²⁴ × 1.66 × 10⁻⁵⁴ ग्राम। तो किसी भी चीज़ का मास जो मोल में होता है उसे मोलर मास बोलते हैं। अभी तो ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन का जो है वो मास AMU की टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब अभी तो क्या है कि इतना वो हो गया डेवलपमेंट साइंस का कि हम इनिशियली किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें 1 AMU पता है तो एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजन एटम का मास फाइंड किया गया, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजन एटम का जो मास आया है वो आया है 1.6736 × 10⁻²⁴ ग्राम। यहाँ मैं रफली वैल्यू नहीं ले रहे हैं बिकॉज हम आपको वो चीज़ समझाना चाह रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU, आपको हाइड्रोजन एटम का मास बताना है किसमें, AMU में, तो उसका आप मास कैसे निकालोगे? जो ये वैल्यू गिवन है आपको ग्राम में 1.6736 × 10⁻²⁴, आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 AMU से। 1 AMU रेड उसमें लिखा है कलर में हमने, तो 1.66056 × 10⁻²⁴। और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 1.0078 AMU। तो इसे मैं बच्चों को याद करने के लिए बोलता हूँ, 007 जेम्स बॉन्ड का कोड है, तो 1.0007 AMU भी आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से आप ऑक्सीजन का मास भी निकाल सकते हैं 15.95। और इस चैप्टर के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप NCERT के शुरू के 8-10 पेजेस तो ज़रूर पढ़ें। NCERT तो ज़रूर ज़रूर पढ़ना है, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो या बिगिनर हो, सब बराबर होते हैं, इट्स ऑल अ डिफरेंस ऑफ प्रैक्टिस ओनली। तो आपको NCERT से गो थ्रू होना है। तो देखिए हाइड्रोजन का जो मास है वो AMU में निकाला है तो हमने डिवाइड किया, और 1 AMU इज़ 1.66056 × 10⁻²⁴ ग्राम, 1 atomic mass unit। तो आप समझ गए कि 1 AMU के डेफिनेशन से कार्बन 12 आइसोटोप का जब 1/12 किया होगा तो हमारे पास ऐसा मास आया होगा। नाउ अब आप एक्सपेरिमेंटली किसी भी चीज़ का मास निकाल सकते हैं। तो बस हम ये कहने वाले थे कि जो भी मास गिवन होता है वो AMU में गिवन होता है। और अगेन आप फिर दोनों डेफिनेशन पढ़िए, डिफरेंस लिखिए, तो दोनों का डिफरेंस AMU और ग्राम में 1 atom और 1 mole का ही है। तो इसे हम और डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 23 AMU एंड 23 gram ऑफ सोडियम एटम, इन दोनों में क्या फ़र्क है?
तो अब आप देखिए दोनों ही वेट की यूनिट है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि हमें क्या करना है, या तो चीज़ों को मेज़र करना है वेट की टर्म्स में या काउंट करना है नंबर, दो ही यूनिट्स होती हैं। हम मोल पढ़ चुके हैं जो काउंट करने की यूनिट है नंबर, अब हम वेट करने की यूनिट पढ़ रहे हैं। तो दो यूनिट है, एक है हमारा AMU, दूसरा ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन बस याद रखो, बट ज़्यादातर रेड हाईलाइट जिसे किया है मोलर मास, मोलर मास को हम यूज़ करेंगे। नाउ अब क्वेश्चन है कि AMU और 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में क्या फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है, 23 AMU इज मास ऑफ वन सोडियम एटम, ये एक सोडियम एटम का मास है, एंड 23 ग्राम जो है वो मास है किसका, 6.022 × 10⁻²⁰ सोडियम एटम का। अब ये नंबर बहुत बड़ा है, इस इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इट इज़ द मास ऑफ, यू कैन से 23 ग्राम इज मास ऑफ, क्या लिख सकते हैं, वन मोल ऑफ सोडियम एटम। तो इन दिस वे आई गेस आपको AMU और मोलर मास में डिफरेंस समझ आ गया, कहीं पे AMU लिखा है तो वो क्या कहना चाह रहा है, और कहीं पे मोलर मास कहना चाह रहा है तो लिखा है तो वो क्या कहना चाह रहा है। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि वन मोल है 6.022 × 10⁻²³ यूनिट्स, मतलब मल्टीप्लाई करना है एवरी टाइम क्योंकि मोल में बात हो रही है। तो जो कंक्लूड करना चाह रहे हैं हम इससे, जो हमें हेल्प करेगा कि कभी भी अगर आपसे बोला है कि ग्राम यूनिट दिख रही है, तो अगर ये लिख भी लेते हैं इस बात को हम कि इफ़ यूनिट इज़ इन ग्राम, इफ़ यूनिट ऑफ वेट, जो वेट की यूनिट है अगर ग्राम में है, तो इट मींस कैलकुलेशन किस में चल रही है। बेसिकली आजकल बहुत प्रिसाइज हो गए हैं, ग्राम पर मोल लिखने लग गए हैं मोलर मास को, तो ग्राम पर मोल लिखा है तो इट मींस वो मोलर मास है, और सिंपली ग्राम लिखा है तो वो किसी भी सब्सटेंस का मास हो सकता है। तो लेकिन अगर ग्राम में मेंशन है तो कैलकुलेशंस मोल में होंगी, कैलकुलेशंस इन मोल, और अगर यूनिट वेट का AMU में है तो कैलकुलेशन हमारा होगा इन टर्म्स ऑफ एटम, कैलकुलेशन किस में होगा हमारा, एटम्स की टर्म में। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप थर्ड लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से, उसमें फंडामेंटल पार्टिकल के मास चार्ज ये सारी वैल्यूज गिवन है AMU में, वो आप लर्न कर लीजिए थोरो, वो आपको याद होना चाहिए। तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि अब जैसे किसी भी चीज़ का मास हमें गिवन है, वैसे यदि क्वेश्चन है बेसिक फंडामेंटल वाला ही क्वेश्चन है ये भी, सपोज हमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन हैज़ मास, राउंड ऑफ करके लिखते हैं 1 ग्राम और 1 AMU, तो आई गेस अब आपको डिफरेंस पता है कि 1 ग्राम मीन्स 1 मोल का मास है, और 1 AMU मतलब 1 हाइड्रोजन एटम का मास है, तो ये हमें लर्न होना चाहिए। कार्बन का मास हमें गिवन है 12 ग्राम, तो आगे लिखते हैं पर मोल, तो मोलर मास शुड बी रिमेम्बर्ड, जो इम्पॉर्टेंट मोलर मास है वो तो हमको याद होना चाहिए, तो ग्राम पर मोल कभी भी मेंशन है तो इट मींस वो मोलर मास है, और जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, जस्ट आप बिगिनर हैं अभी 11th क्लास में, तो वो मोलर मास तो आप फाइंड करिए और याद कर लिए मैक्सिमम, जितना भी अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जितने मासेस आप याद कर सकते हैं मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है, आप उसे लर्न कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि 20 तक याद करना है, इट्स अप टू यू। और अब तो इतना टाइम है, आप दिन में 2 बार लिख के देख सकते हैं, तो ट्राई टू बी मतलब जस्ट आप प्रैक्टिस करके चीज़ों को परफेक्टली याद करने की कोशिश करिए। हाइड्रोजन 1 ग्राम है, कार्बन 12, ये सब इसका क्या गिवन है हमें, मोलर मास। तो जब ये मोलर मास गिवन है तो आई गेस इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन फॉर यू, ये आपसे पूछना मतलब जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, कि अगर मैं बोलूं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज़ हाउ मेनी मोल, तो आप बोलोगे मोलर मास है तो डेफिनेटली 1 मोल ही होने वाला है। सेम वे अगर मैं बोलूँगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ हाउ मेनी मोल, तो अगेन मोलर मास है तो ये 1 मोल ही होने वाला है। तो किसी भी चीज़ का जो मोलर मास है उसमें तो 1 मोल ही होगा,
नाम से ही समझ आ रहा है, मोलर मास। अगेन ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मास ऑफ वन सब्सटेंस, वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोलर मास। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब 12 ग्राम में अगर वन मोल है तो आई गेस इट्स वेरी इजी फॉर यू कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज़ वन मोल, तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन में आप निकाल लेंगे कितने मोल होंगे, तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैज़ 1/12 × 6, मतलब 1/2। सेम वे अगर आपसे पूछा जाता है 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ मोल, तो अगेन आप याद कर चुके हैं कि 23 ग्राम, आपको पता है 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ मोल 1, तो 2.3 में कितना होगा, 2.3 में वैल्यू आएगी 23 में 1 मोल है तो यूनिटरी मेथड से करेंगे 1/23 × 2.3। अगर डाउट हो रहा है तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ मोल, ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। नाउ यू कैन सॉल्व इट, 1/23 × 2.3। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपको मोल्स बताने हैं। सपोज 8 ग्राम ऑफ आयरन हैज़ हाउ मैनी मोल्स। ये क्वेश्चन और डिटेल में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर यूनिटरी मेथड का किसी स्टूडेंट को आइडिया ना है ना हो तो आप इसे कर सकते हैं। अब आपको लर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब आप बोलोगे सर हम ये लाइन कहाँ से लिखेंगे, 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ वन मोल, या फिर हम ये लाइन कहाँ से लिखेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज़ वन मोल। तो आपको ये लर्न होना चाहिए मोलर मास। जैसे मुझे ऑलरेडी याद है कि आयरन का मोलर मास 56 ग्राम है, अगर आपको भी याद नहीं है तो अभी याद कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधे स्टेटमेंट लिखेंगे 56 ग्राम ऑफ आयरन हैज़ मोल 1, फिर आप बोलेंगे कि 1 ग्राम ऑफ आयरन हैज़ मोल, तो योर आंसर इज, ये मैथ्स है तो 1/56, तो 8 ग्राम में कितना होगा 1/56 × 8, आंसर इज 1/7 मोल। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। अगर आप तीनों क्वेश्चन में देखिए तो ऑलवेज डिनोमिनेटर में कंपाउंड का मोलर मास है और नुमरेटर में हमेशा गिवन मास है। तो इस यूनिटरी मेथड का कैलकुलेशन बार बार रिपीट हो रहा है, जो चीज़ बार बार रिपीट हो जाती है वो हमारा फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो लेट्स लर्न फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं एन से। तो फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब डिफरेंट बुक्स का डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, बट हम गिवन मास को W से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलर मास को M से रिप्रेजेंट करेंगे। और समझ आ रहा है कि दोनों की यूनिट ग्राम होगी तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, मींस नंबर ऑफ मोल्स इज अ नंबर, मींस इट हैज़ नो यूनिट। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।